सब्सक्राइब कीजिए हमारे ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफिशियल चैनल को और दबाइए ये बेल आइकन हमारी टेक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उसामा और आप देख रहे हैं ऑस टिप्स एंड ट्रिक्स। तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं एक सीरियस इशू के बारे में। ये इशू उन लोगों पर इफ़ेक्टिव हो सकता है जो कि यूसी ब्राउज़र के यूज़र हैं। तो यूसी ब्राउज़र को गूगल प्ले स्टोर ने बैन कर दिया है। फ़िलहाल तो ये टेम्प्रेरी 30 डेज़ के लिए बैन है और हो सकता है बाद में ये परमानेंटली भी हो जाए या फिर ये अप्रूव्ड हो जाए, गूगल प्ले पे दोबारा आ जाए। तो आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। मैंने इस बारे में आपको पहले भी बताया था अपनी एक वीडियो में जिसका नाम था टॉप 5 डेंजरस एप्लीकेशन फॉर योर एंड्रॉयड। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो ऊपर मैंने कार्ड में भी वो वीडियो डाल दी है, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन सी वजह है, क्या वजह है और यूसी ब्राउज़र ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से उसको बैन कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं। सिंपल, हम अगर प्ले स्टोर ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर सर्च कर लेते हैं यूसी ब्राउज़र, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर यूसी ब्राउज़र शो नहीं हो रहा, यूसी मिनी हो रहा है लेकिन यूसी मेन ब्राउज़र शो नहीं हो रहा। तो ये आप देख सकते हैं। उसके अलावा यूसी ब्राउज़र ने कुछ ऐसी हरकतें की हैं। यूसी ब्राउज़र कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि ये आपके फ़ोन का डेटा लेके थर्ड पार्टी इसको बेच रहा था, सेंड कर रहा था। तो आप उसका आर्टिकल मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए, ये इसका आर्टिकल भी यहाँ पर मैंने दे दिया है, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से भी जाके ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। यूसी ब्राउज़र रिपोर्टेडली अंडर गवर्नमेंट स्कैनिंग फॉर सेंडिंग डेटा टू चाइना। आप यहाँ देख सकते हैं, ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं। ये तो ये भी एक इसकी ये हरकत थी। और कुछ टाइम पहले ये यही कर रहा था कि आपको व्हाट्सएप पर और दूसरे सोशल नेटवर्किंग साइट पर आपको ये मैसेज आता था कि आप जो है ये ऑफ़र आई है, ये चीज़ फ्री मिल रही है अमेज़ॉन पे, और इस तरह की कुछ ऑफर्स आती थी तो उस पर जो लिंक होती थी जैसे ही आप उस पर क्लिक करते थे तो वो आपको यूसी ब्राउज़र डाउनलोड करने के लिए कहते थे और उससे कुछ फ़ायदा होता नहीं था। वो आपको शेयर करने के लिए भी कहते थे, इतने ग्रुप्स में शेयर कर दें, इतने पर्सनस को शेयर कर दें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इनकी ये हरकत हो गई थी और ये चीज़ गूगल प्ले ने देख ली, इंडियन गवर्नमेंट ने देख ली और इसके यूज़र्स 100 मिलियन से भी ज़्यादा हो गए हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बात है और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है कि आपका डेटा भी ये सेंड कर रही थी। तो इस वजह से इनको 30 डेज़ के लिए बैन कर दिया है। तो इस पर इन्होंने जवाब भी दिया था, आप यहाँ से इनका जवाब भी देख सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं यूसी ब्राउज़र रिमूव फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। तो इन्होंने यहाँ पर जवाब दिया था, स्टेटमेंट फ्रॉम यूसी ब्राउज़र। ये आप स्टेटमेंट भी पढ़ सकते हैं, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय गूगल प्ले स्टोर अबाउट टेम्प्रेरी रिमूवल ऑफ यूसी ब्राउज़र फ्रॉम द प्ले स्टोर फॉर 7 डेज। में 7 डेज लिखा हुआ है लेकिन ये 30 डेज के लिए रिमूव हुआ है प्ले स्टोर से। तो ये बहुत ही ज़्यादा सोचने वाली बात है और आप देख सकते हैं कि ये किस तरह से ये कर रहे हैं। तो आपको चाहिए कि ये यूसी ब्राउज़र बिल्कुल भी यूज़ ना करें। मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किया था कि आप ये यूज़र ये ब्राउज़र बिल्कुल भी यूज़ ना करें तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसके बाद आपकी मर्ज़ी, आप यूज़ करते हैं या नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो जल्दी से इस वीडियो को दीजिए थम्स अप और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। और आप हमें सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन और गूगल प्लस वगैरह पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो फिर किसी वीडियो में मिलेंगे किसी और प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।